अउ्बिल्लिम शिफ़ाजी बसमीम तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड एट नाइन की मैथ्स में एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी दैन प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मेट्रिसज इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना है किस कौन सी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको तीन मैट्रस दिए गए हैं आपने फर्स्ट पार्ट ए के लिए मैट्रिक्स ए है आपके पास टू माइनस थ्री फोर वन बी है आपके पास फाइव माइनस टू थ्री सिक्स एंड सी मैट्रिक्स है आपके पास वन सेवन माइनस सिक्स एंड थ्री ओके स्टूडेंट्स माइनस थ्री इसे देखिए आपने किस तरह सॉल्व करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी देन प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे देन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास ए प्लस बी प्लस सी आप वैल्यूज़ पुट करें एक की जगह इसका मैट्रिक्स ए टू माइनस थ्री फोर वन प्लस बी प्लस सी मैं ब्रैकेट में मैट्रिक्स बी एंड सी की वैल्यू पुट करें ओके स्टूडेंट्स देन अब हम इस पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट क्या है आपके पास इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है फाइव प्लस वन ओके स्टूडेंट्स माइनस टू प्लस सेवन थ्री माइनस सिक्स सिक्स माइनस थ्री ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आपने लिखा देन अब इनको ऐड करें ये मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे लिखें आप फाइव प्लस वन सिक्स माइनस टू प्लस सेवन आपके पास फाइव आएगा देन थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री और सिक्स में से अगेन थ्री माइनस करें तो आपके पास प्लस थ्री आएगा अब इन दोनों मैट्रिक्स के कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा टू प्लस सिक्स माइनस थ्री प्लस फाइव फोर माइनस थ्री ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एंड वन प्लस थ्री ठीक है स्टूडेंट्स देन अब टू प्लस सिक्स करें तो आपके पास एट आएगा माइनस थ्री में से फाइव माइनस करें अगेन टू फोर माइनस थ्री वन वन प्लस थ्री फोर ठीक है स्टूडेंट्स नाउ आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड के आपके पास पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे देन सी को उसके साथ ऐड करेंगे तो ये देखिए पहले ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने लिखी प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें कैसे ऐड होंगे टू प्लस फाइव ओके स्टूडेंट्स माइनस थ्री माइनस टू यानी कि एलिमेंट्स ऐड होंगे फोर प्लस थ्री माइनस वन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिक्स ओके नेक्स्ट अब जब आप टू और फाइव को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा सेवन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस टू से आपके पास माइनस फाइव फोर प्लस थ्री सेवन वन प्लस सिक्स सेवन ओके स्टूडेंट्स और ये मैट्रिक्स आप एज इट इज नीचे लिखे अब इन दोनों मैट्रिक्स को एड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेवन प्लस वन माइनस फाइव प्लस सेवन सेवन प्लस माइनस सिक्स सेवन माइनस ठीक है थ्री एन के प्लस माइनस माइनस अब जब सेवन प्लस एट करेंगे तो आपके पास आएगा एट माइनस फाइव प्लस सेवन टू सेवन में से जब आप सिक्स माइनस करेंगे तो वन आएगा एंड इसी तरह सेवन माइनस थ्री फोर अब ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो इसलिए ये हिंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ओके स्टूडेंट्स बुक में जो इसका पार्ट टू है ये आपका होमवर्क है सेम इसी तरह ही आपने सॉल्व करना है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन को आपने किस तरह सॉल्व करना है फाइंड द एडिटिव इनवर्स यानी कि आपने मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स इनके प्लस का इनवर्स कौन सा साइन होता है माइनस इनवर्स इसे हम माइनस को एडिटिव इनवर्स कहते हैं तो देखिए आपने एडिटिव इनवर्स को किस तरह फाइन करना है फर्स्ट फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास थ्री फोर सिक्स टू द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ क्या होगा आपके पास इसके साथ माइनस का साइन लगाएं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करें माइनस के साइन से तो जब आप ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए इज़ इक्वल्स टू सब प्लस एलिमेंट हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए में सारे प्लस हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस के साइन में ओके स्टूडेंट्स इसी तरह सेकेंड पार्ट है आपको मैट्रिक्स बी गिवन है सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज आप इसको अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी प्लस ए चेंज इंटू माइनस ए माइनस ए किस में चेंज हो जाएगा प्लस में क्योंकि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा सेम इज इट इसी तरह यहाँ पर माइनस बी देन माइनस सी है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस सी में माइनस ए प्लस बी और ये तीनों प्लस के हैं थर्ड रो के एलिमेंट तो ये तीनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस एल माइनस एम माइनस एन ओके स्टूडेंट्स तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम बुक में क्वेश्चन नंबर फोटीन क्वेश्चन नंबर फोर्टी है आपके पास शो दैट आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देखिए स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स हम उसे कहते हैं जब आप दो मैट्रसेज को आपस में ऐड करें कमोटेटिव लॉ से यानी कि अगर ए प्लस बी या बी प्लस ए आप ऐड करें तो आपके पास क्या आए जीरो आए ठीक है स्टूडेंट्स तो अब ये देखिए आपने फर्स्ट पार्ट है आपके पास मैट्रिक्स ए जिसमें आपके पास एलिमेंट है वन माइनस टू थ्री बी है आपके पास माइनस वन टू माइनस तो देखिए आपने इसे किस तरह सॉल्व करना है एज वी नो दैट ये देखें आपके पास ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए प्लस बी मैट्रिक्स ए और बी को हम ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आए जीरो यानी कि जीरो मैट्रिक्स आए बी प्लस ए आप ऐड करें तब भी आपके पास जीरो मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए तो पहले हम ए प्लस बी को ऐड करते हैं ए प्लस बी मैट्रिक्स ए की एलिमेंट्स के आपके पास वन माइनस टू थ्री वन माइनस टू थ्री बी के एलिमेंट्स आपके पास माइनस वन टू माइनस थ्री इसे ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करें वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू थ्री माइनस थ्री जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ज़ीरो मैट्रिक जीरो 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 इज इक्वल्स टू जीरो सेम इसी तरह ही आपने अब बी प्लस ए करना है और चेक करना है कि इससे भी ज़ीरो आता है या नहीं अगर इन दोनों में से किसी एक से ज़ीरो ना आए तो फिर एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे दोनों से आपके पास जीरो आना चाहिए तो देखिए आपके पास दोनों जब आपने सॉल्व किया ए प्लस बी एंड बी प्लस ए तो आपके पास क्या आंसर आया जीरो इट्स मीन्स ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास बुक में बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट टू सी एंड डी आपको दो मैट्रिक दिए गए हैं मैट्रिक सी के एलिमेंट है आपके पास ए माइनस बी माइनस सी डी और डी के मैट्रिस मैट्रिक्स के एलिमेंट है आपके पास माइनस ए बी ठीक है स्टूडेंट्स सी एंड माइनस डी तो देखिए आपने इसे किस तरह सॉल्व करना सेम उसी तरह ही पहले हम सी प्लस डी फाइंड करेंगे और उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए जीरो देन डी प्लस सी तो सी प्लस डी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास ए माइनस बी माइनस सी डी ठीक है स्टूडेंट्स देन प्लस डी मैट्रिक्स के एलिमेंट माइनस ए बी सी माइनस डी तो अब इन दोनों को ऐड करें ए प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा ए यानी कि ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी ओके स्टूडेंट्स देन माइनस सी प्लस सी एंड डी माइनस डी जब इसे आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा ज़ीरो 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 जीरो कि ज़ीरो जीरो, जीरो 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 मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इसके बाद अब हम क्या करते हैं डी प्लस सी डी ओ सी को ऐड करें ठीक है स्टूडेंट्स तो आपके पास डी मैट्रिक्स के एलिमेंट पहले आप स्टार्ट में लिखेंगे एंड देन सी के और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जीरो 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 कि ज़ीरो मैट्रिक्स दस सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर Ok, estudantes?